कैट 23 का फॉर्म भरते हुए मैक्सिमम लोगों को डाउट आ रहा है कि अभी हम फाइनल ईयर में हैं, लेकिन लास्ट ईयर यानी कि अपने सेकेंड ईयर का जो लास्ट एग्ज़ाम हमने दिया यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का, उसके हमारे रिजल्ट नहीं आए हैं, तो क्या हम कैट 23 के लिए एलिजिबल हैं? आप बिल्कुल एलिजिबल हो। और कुछ लोगों का तो लास्ट ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर होता है उसके एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप नवंबर 2023 में जब आप एग्ज़ाम दोगे कैट का, उस टाइम आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, और आपके फाइनल ईयर का जो लास्ट एग्ज़ाम होगा वो 30 जून 2024 से पहले हो जाना चाहिए, भले उसका रिजल्ट जुलाई अगस्त सितंबर में आए, तो आप बिल्कुल कैट के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन है कि हम अभी फाइनल ईयर में हैं, हमारे सिक्स सेमेस्टर का भी यानी कि फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो गया, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए हैं, तो हमें फॉर्म में क्या मेंशन करना चाहिए कि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर अभी हम फाइनल ईयर में हैं वो हमें सेलेक्ट करना है? तो अभी आपका सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो अभी आप फाइनल ईयर में हो, आप वही सेलेक्ट करिए फॉर्म भरते इस टाइम, और वहाँ पे आपके फाइव सेमेस्टर तक का ही मार्क्स का परसेंटेज निकाल के डाल दीजिए। तो यहाँ पे सवाल आता है कि अगर हमें मार्क्स फिल करने हो तो हम कैसे करें? तो अगर आपके पास 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर या फिर 5 सेमेस्टर जितने भी मार्क्सशीट हैं उसके टोटल मार्क्स आपको कितने मिले, मान लीजिए आपके पास सिर्फ 3 सेमेस्टर के मार्क्सशीट हैं और आपके हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे, तो तीनों सेमेस्टर मिला के टोटल आपके 18 सब्जेक्ट हो गए, और मान लेते हैं कि आपका हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था, तो 18 सब्जेक्ट यानी कि 1800 मार्क्स का, और उस 1800 मार्क्स में से आपको मिले हैं 1200 मार्क्स, तो आप 1200 / 1800 × 100 आप करोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 66.67%, आप डाल देना। तो इस तरीके से आप अपना एग्रीगेट परसेंटेज फॉर्म में फिल कर सकते हो। अगर आपको ग्रेड मिला है तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करके फॉर्म को फिल दीजिए। तो मुझे आशा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास सिर्फ थर्ड सेमेस्टर तक ही मार्कशीट हैं या फिर फोर्थ तक है या फिर सिर्फ फिफ्थ तक है तो क्या हम कैट के लिए एलिजिबल हैं। आप बिल्कुल एलिजिबल हो जितने भी आपके पास हैं, बस आप फाइनल ईयर में होने चाहिए इस साल। अगर आप नवंबर 2023 में फाइनल ईयर में हो और 30 जून 2024 से पहले आपका सिक्स सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर का लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। आप कैट का फॉर्म आराम से भर दो, जो भी आपके पास मार्क्सशीट अवेलेबल है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग। आइए इसी चीज़ को और क्लियरिटी से जानने के लिए मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दिखाता हूँ जिसको श्वेता अरोड़ा जी ने रिप्लाई दिया है। आप श्वेता अरोड़ा जी को जरूर जानते होंगे अगर आप कैट एस्पिरेंट होंगे, और वो खुद IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुई हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में और क्लियरिटी है तो उनका मैं आपको कमेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप रीड करिए। डीडी प्लीज टेल व्हाट टू डू इफ माय फाइनल एग्जाम एंड इन June 2024 एंड फाइनल रिजल्ट विल कम इन जुलाई और अगस्त। अब किसी ने उनसे पूछा है कि अगर मेरा जून 2024 में फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और उसके रिजल्ट तो जाहिर सी बात है जुलाई अगस्त में आएंगे, तो श्वेता अरोड़ा जी ने रिप्लाई दिया है, यू आर एलिजिबल फॉर कैट 23, फाइनल रिजल्ट कैन कम लेटर आल्सो, एग्जाम शुड बी डन बाय जून एंड। फिर उसने पूछा बट कैन आई गेट एडमिटेड इन टाइम आल्थ्रो माय रिजल्ट आल इन जुलाई। तो श्वेता अरोड़ा जी ने रिप्लाई दिया है, अफकोर्स द गाइडलाइन स्टेट दैट योर फाइनल रिजल्ट हैज़ टू बी सबमिटेड बाय December 2024 एट द बी स्कूल द एडमिशन यू आर गिवन इन कार्ड प्रोविजनल एडमिशन व्हाट वाज द सेम केस विथ मी डोंट वरी। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपका जून 2024 में फाइनल एग्जाम हो जाना चाहिए और उसका रिजल्ट आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो दिसंबर तक देना होता है, तब तक आपका सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आराम से आ जाता है। एक कमेंट मैं और स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, उसको भी आप रीड कर लो जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। किसी ने पूछा है, हेलो मैम, आई डाउट इट एक्चुअली, माई ग्रेजुएशन वॉज गोइंग टू बी कम्प्लीटेड इन June 2024 बट माई फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम इज नॉट कम्प्लीटेड एट, व्हाट डू वी नो, शुड आई अपेयर फॉर कैट 24 और नॉट, एक्चुअली माई फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम शुड हैव बीन कम्प्लीटेड इन June 2024 बट द एग्जाम आर नॉट कंडक्टेड एट। तो श्वेता अरोड़ा जी ने रिप्लाई दिया है, इट्स ओके, द गाइडलाइन स्टेट द यू शुड बी इन फाइनल ईयर इन November 2023 टू टेक कैट 23। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी कि बस आप फाइनल ईयर में होने चाहिए और आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाए June 2024 में, और आपके पास जो भी 3 सेमेस्टर के 4 सेमेस्टर के या फिर 5 सेमेस्टर के मार्क्स हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर सकते हो, आप कैट 23 के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद भी अगर आपको कैट फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करना, अगर उसके बारे में मुझे 100% श्योरिटी रहेगी कि मैं जो आपको रिप्लाई दे रहा हूँ वो 100% राइट है तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मुझे आशा है इस वीडियो से थोड़ी बहुत आपको हेल्प हुई होगी जिनको डाउट था कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। मिलते हैं आगे भी ऐसे ही कैट से रिलेटेड वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग,
बाय।